एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ करेले के पकोड़े। करेले के पकोड़े बनाने के लिए करेले को अच्छे से धो लेना है, फिर गोल शेप में काट लेना है और नमक डाल के छोड़ देना है उसको 10 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें डालेंगे सारे मसाले। तो मैंने सादा नमक, काला नमक डाल दिया, उसमें हींग पाउडर, जीरा पाउडर और उसके बाद गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और सारे मसाले डालने के बाद उसमें डालना है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के बाद बेसन डालेंगे इसमें और ज़्यादा नहीं डालना है, धीमे धीमे करके डालना है और उसको अच्छे से मिलाते रहना है। तो यहाँ पे मैंने बेसन डालने के बाद पानी डाल देना है, उसमें पानी डाल के थोड़ा सा ही पानी डालना है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो ख़राब हो जाएगा, बेसन चिप हट जाएगा बेसन पकौड़े में से। तो यहाँ पर थोड़ा कर करके ऐसे डाल देना और अच्छे से मिलाते रहना है। तो यहाँ पर ऊपर को उसगाल लेना है ऐसे जैसे मैंने उसगा रहे हैं, और थोड़ा सा बेसन कॉर्नफ्लोर और डाल के थोड़े से अच्छे से लगा देना है। फिर यहाँ पे कढ़ाई रख देना है और तेल को ज़्यादा गर्म नहीं डालना है, हल्का गर्म पे डालना है। तो मैंने यहाँ पे डाल के देखा था कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है, तो ज़्यादा गर्म नहीं था। उसके बाद सारे पकौड़े को डाल देंगे उसमें। डालने के बाद अच्छे से डीप फ्राई करेंगे 5 मिनट तक। तो डीप फ्राई करने से अच्छा कुरकुरापन और कड़वापन सारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे करेले डाल दिए और उसको अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए, आधे फ्राई हो चुके हैं, थोड़ा और फ्राई करना है 2 मिनट तक। तो यहाँ पर कर ले रही हूँ मैं फ्राई अच्छे से। तो यहाँ पर सारे करेले फ्राई हो चुके हैं, ये देख लीजिए एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। तो यहाँ पर हम सारे पकौड़ों को निकाल लेंगे और तेल को एकदम निचोड़ के अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारे पकौड़े निकाल लिए हैं और इनका कड़वापन सारा ख़त्म हो चुका है और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। उड़ीसा की फेमस डिश है, यहाँ पर बनाते हैं लोग, तो मैंने भी बना लिया। तो ये देख लीजिए कितने कुरकुरे एकदम मस्त बने हुए हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो करेले के पकौड़े, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, मिलेंगे अगले न्यू ब्लॉग में।